हाँ हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे HPCL शेयर के बारे में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगा, जैसे कि ये 209 रुपये पे अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इस शेयर के अंदर ये मल्टीबैगर शेयर बन सकता है कि नहीं, ये शेयर आपको ईयरली अच्छा खासा इनकम बना के दे सकता है कि नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर अच्छा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको हम हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं एक्चुअली इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा गाइज। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से शेयर मार्केट रिलेटेड, शेयर रिलेटेड एनालिसिस वीडियो मैं डेली डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बिजनेस के बारे में। एक लार्ज कैप कंपनी है गाइस, 31,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऑल ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग मार्केटिंग में है। HPCL पेट्रोल पंप तो आपको पता ही है, तो उसका ये शेयर है गाइस। तो इस कंपनी का बेसिकली बिजनेस जो है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोल एंड डीजल के बिजनेस में, क्रूड ऑयल के बिजनेस में, रिफाइनिंग पेट्रोल केमिकल रिलेटेड बिजनेस के अंदर ये कंपनी है गाइज। ये गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि सबसे अच्छी बात है गाइज। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि डिविडेंड यील्ड जो है इसका बहुत ही अच्छा है, 4.65, अराउंड 5% का डिविडेंड यील्ड है गाइज। तो ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग एक वीक का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.57% का रिटर्न दिखा रहे हैं। 1 वीक के इसमें देखें हम लोग तो 1.82% का लॉस दिखा रहा है। 1 मंथ की बात करें अगर हम लोग तो 10.10% का लॉस यहाँ पे दिखा रहे हैं। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 21% का लॉस ये दिखा रहा है। तो और इसका हाई जो था वो था 328। तो गाइस, इस रेट पे ये शेयर जो है ये काफ़ी बढ़िया रेट पे है, और 5 साल की बात करें तो 11% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइज, इस रेट के अंदर मैं बिल्कुल एंट्री करने के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ से मैं देख देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर अराउंड 20 से 25% का अपसाइड मुझे दिख रहा है गाइज। तो एंट्री करने के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। डिविडेंड रिटर्न तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा देती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो डिविडेंड बहुत सारी, मोस्टली 80% पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है वो डिविडेंड अच्छा देती है। तो ये अच्छी पॉइंट, ये एक बेहतरीन पॉइंट है इसके अंदर। तो अभी बात कर लेते हैं कि फोरकास्ट के बारे में, कि कितने एनालिस्ट ने इसको बाय की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया हुआ है, और 84% एनालिस्ट उसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं। तो गाइज, ये एंट्री करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 205 के या 200 210 के अंदर आपको एंट्री बिल्कुल इस शेयर के अंदर करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अपसाइड इसके अंदर 5 से 10% की आपको 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगी। 10% की अपसाइड तो 1 महीने के अंदर ही आपको इस शेयर के अंदर बिल्कुल मिलेगी 100%, क्योंकि अभी मार्केट जो है अच्छा खासा रिकवर कर चुका है कोविड के बाद से। तो इसके अंदर अभी भी एक्चुअली पेन बचा हुआ है, तो ये यहाँ से 1 महीने के अंदर मिनिमम 10% का प्रॉफिट 100% दिखा सकता है गाइज। तो ये मेरा व्यू है इसके ऊपर। और फाइनेंशियल देख लेते हैं आप इसकी, तो फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है और अट्रैक्टिव दिख रहा है। टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है गाइस, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छी है। मगर रेवेन्यू की बात करें तो इस साल रेवेन्यू जो है थोड़ा सा कम है। इसका रीज़न तो आप सबको पता है, कोविड के कारण से लोग बाहर नहीं जा रहे, तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस साल ये रहने की रह सकता है ऐसा ही, अगले साल में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये बहुत ही बढ़िया शेयर है गाइस। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम लोग कि होल्डिंग पैटर्न कैसा है। होल्डिंग फर्स्ट हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, यहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के वालों ने उनकी होल्डिंग बढ़ाई है। यहाँ पे अगर हम देखें टोटल प्रमोटर के पास 51% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 16% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मतलब लाइफ इंश्योरेंस वगैरह उनके पास में कुछ
23% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, उनके पास 16% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज मतलब आप और मेरे जैसे नॉर्मल रिटेल निवेशक, उनके पास 9% की होल्डिंग है गाइस, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मेरे जैसे और आप जैसे लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल भी इसके अंदर होल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट की कंपनी है और इस प्राइस पे 209 रुपये पे या 200 के नीचे, ये काफ़ी अच्छा प्राइस है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे हैं, निगेटिव पॉइंट्स कैसे हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्टॉक जो है 1.3 टाइम्स बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 सालों से आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वो 21% की रही है। 21% बहुत ही अच्छा रेट होता है, क्योंकि बैंक में आपको सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको हर साल 21% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डिविडेंड ये कंपनी बहुत ही अच्छा देती है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने पुअर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ जो है पिछले 4-5 सालों से दी है, और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट में काफ़ी पैसा ये भर रही है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है गाइज। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर में आपको देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL और भारत पेट्रोलियम। तो नो डाउट रिलायंस एक सबसे बड़ा पिक है ही, क्योंकि रिलायंस का शेयर आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर बन सकता है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर रिलायंस का शेयर जो है वो काफ़ी महंगा है अभी के रेट में एज़ कम्पेयर टू दिस शेयर। मेरे ख्याल से मैं ये सजेस्ट करूँगा गाइस कि अभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, और 10 से 15% जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो वो पैसा निकाल के उसमें से कुछ परसेंट आप सेल करके उसको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इस। तो ये मेरा सजेशन है इस शेयर के बारे में। शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल इसके अंदर बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं 1 या 2 महीने के अंदर, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है इन रेटों पे। अब बात कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज आपने इस शेयर के अंदर, कितने रुपए आपने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो गाइज मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पोर्टफोलियो का 4 से 5% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी हमेशा ये एक्चुअली सलाह रहती है कि आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 से 20 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे, रिस्क फ्री रहे। तो दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आप दोस्तों इसके अंदर 4 से 5 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो अगर 10 हज़ार रुपये का है, 10 हज़ार रुपये का है, तो आप 2 शेयर आपके पोर्टफोलियो में इसके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा या 4 भी रख सकते हैं। मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है तो 4 शेयर रख सकते हैं, मगर मैं उससे ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 6-7% से ज़्यादा कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है किसी शेयर पे, तो उसी शेयर को आप 10% तक लेके जा सकते हो आपके पोर्टफोलियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपके इस शेयर के रिलेटेड या किसी और शेयर के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है कि उस शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच।